ट्यून वगैरह करने में देखो लीन काफ़ी तरीके से गाड़ी हो जाती है, और थोड़ा सा भगा के देखेंगे तो स्पीड वगैरह काफ़ी तरीके से आती है। अब आगे में हम्प है तो थोड़ा सा हम इसको यहीं से रोकने का ट्राई करेंगे। देखो सो गाइज अभी हमारे साथ में है हीरो स्प्लेंडर प्लस और ये डिस्क वाला वेरिएंट है, तो यहाँ पर देख लो आप डिस्क लगा हुआ है, यहाँ पर रिफ्लेक्टर दिया हुआ है और पूरी ब्लैक जो है वो ग्लॉसी ब्लैक के अंदर है और रेड कलर यहाँ पर स्टिकर वगैरह का यूज़ किया गया है और पीछे में ग्रैब रेल वगैरह भी चेंज कर दिया गया, ये इसका की है। और बाइक प्यारी लगती है काफ़ी ज़्यादा देखने में और बहुत ज़्यादा सेल्स निकाल के देती है और बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर जो है वो हीरो स्प्लेंडर बिकती है। सो यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट वगैरह मिल जाता है, ये देखो डिजिटल मीटर वगैरह आपको मिल जाता है इसके अंदर, यहाँ पर आपको कॉल SMS अलर्ट सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। देखो हीरो करके मिल रहा है माय हीरो, यहाँ पे स्पीडोमीटर है, यहाँ पे फ्यूल का मीटर मिल जाता है, यहाँ पे आपको साइड स्टैंड मिल जाता है, यहाँ पे भी देख सकते हो, और ये कुछ इंडिकेटर का है और यहाँ पे पास वगैरह भी आपको इसके अंदर मिल जाता है और यहाँ पे नेट्रोल, यहाँ पे लो फ्यूल इंडिकेटर, अभी गाड़ी के अंदर फ्यूल बहुत कम है। यहाँ थे I3 ऑन ऑफ करने का स्विच है, यहाँ पे सेल्फ है और यहाँ पे मिरर वगैरह मिल जाते हैं काफ़ी अच्छे तरीके, इसको हम सेट कर लेते हैं। डिस्क का मैकेनिज्म यहाँ पर दिया हुआ सारा, सो इसको करते हैं स्टार्ट। इसका एग्जॉस्ट नोट सुना एक बार, बहुत तगड़ा एग्जॉस्ट नोट है। गियर तो आपको मिल जाते हैं चार, सारा पीछे होने वाला है, तो चलो फर्स्ट गियर लगाते हैं, गाड़ी को रोड पे लेके चलते हैं। और आप इस वीडियो के अंदर हम इसका देने वाले हैं राइड एक्सपीरियंस, क्योंकि ये गाड़ी जो है वो डेली यूज़ के लिए है और इसको लोग डेली यूज़ के लिए करते हैं, जस्ट लाइक कहीं जाना है, कुछ सामान लाना है, दूध लाना है, घर का कोई सामान लाना है, उसके लिए यूज़ करते हैं। बहुत लोग इसे ऑफिस जाते हैं, कॉलेज भी आते हैं, कुरियर बॉय वगैरह भी इसको यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? इसकी कम प्राइस के वजह से, इसके हल्के लुक के वजह से, और देखने में काफ़ी प्यारी लगती है। माइलेज सबसे बड़ा इसका पॉइंट है, माइलेज बहुत तगड़ा देती है ये गाड़ी और माइलेज की वजह से बहुत ज़्यादा ये गाड़ी बिकती है। 100cc का इंजन मिल जाता है, काफ़ी अच्छा पावर प्रोड्यूस करती है गाड़ी और इसके अंदर अब डिस्क भी आ गया है तो ब्रेकिंग वगैरह काफ़ी अच्छी हो गई है। और कंफर्ट पहली पॉइंट है, कंफर्ट तो कंफर्ट इस गाड़ी के अंदर बहुत अच्छा मिलता है। सिंगल पाइप हैंडल बार मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा सेट है, सिंगल सीट मिलता है बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पर देखो टैंक भी बहुत प्यारा सा टैंक दिया हुआ ब्लैक कलर के अंदर, यहाँ पर स्टिकर वर्क दिया हुआ रेड कलर में, 3D में लोगो मिल जाता है। यहाँ पर देखो यहाँ पर सारे फीचर मिल जाते हैं, E20 की ब्रांडिंग, ब्लूटूथ से आप कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर देखो सारा चीज़ दिखा रहा है। अभी अगर मैं बात करूँ एवरेज, मतलब कितना गाड़ी देगी फ्यूल, 102-103 दिखा रही है, मतलब 100 का माइलेज भाई, मुझे नहीं लगता कि 100 का माइलेज देगी, बट यहाँ मीटर पे लिखा हुआ है 80 भी अगर देती है निकाल के तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हो जाएगा फिर इस बाइक का माइलेज के हिसाब से। और अभी जो है हेडलाइट वगैरह इसके अंदर LED आ चुका है, हज़ार का फीचर मिल चुका है, इसमें तो नहीं है, ये डिस्क वाला वेरियंट है, बट एक जो अलग वेरियंट आया हुआ है 2.0, मतलब एक्सटेक 2.0, उसके अंदर आपको जो है वो सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पर देखो मीटर वगैरह सब चालू है, 40 पे मैं अच्छे तरीके से क्रूज़ कर पा रहा हूँ, बाइक बहुत अच्छे तरीके से आराम से चल रही है। और अब आएँगे हम गियर शिफ्ट पे, क्लच रिस्पॉन्स कैसा है। सो इसका क्लच जो है वो बहुत ज़्यादा लाइट है और क्लच का जो ट्रैवल है वो भी काफ़ी कम है। और गियर चार गियर मिलते हैं, सारे पीछे मिलते हैं, आगे हम फटाफट जो है डाउन करेंगे तो सारा जो है गाड़ी नेट्रोल पे आ जाएगी और पीछे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चार गियर मिल जाते हैं ये काई। और डिस्क मिल जाता है, पीछे में ड्रम मिलता है, कोई भी ABS वगैरह का वेरियंट अभी नहीं मिलता। सो इस सेगमेंट में अभी ABS है भी नहीं, एक ABS आया था शायद से प्लेटिना के अंदर, बट अभी इन गाड़ियों में ABS का ऐसा कोई ज़रूरत है नहीं। बाकी सर आपको ट्यूबलेस टायर वगैरह मिल जाते हैं और इसके अंदर आपको जो है ऑयल वगैरह मिल जाता है और टायर वगैरह भी सही दिया गया है इस अकॉर्डिंग के हिसाब से बाइक में, मतलब टायर का साइज़ वगैरह भी इस बाइक के हिसाब से काफ़ी अच्छा दिया गया है, क्योंकि इन बाइकों के अंदर जो है ज़्यादा मोटे टायर्स का ज़रूरत नहीं है, फिर माइलेज जो है फिर वही निकलेगी। और साइड व्यू मिरर देख लो क्या इस तरीके से वर्क कर रहा है, पूरा सारा चीज़ पीछे का क्लियर दिख रहा है और बाइक जो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है चलने में। ब्रेकिंग वगैरह की आगे हम बात करेंगे, सो अब एक बार ब्रेक प्रेस करके देखते हैं। देखो ब्रेक का बाइट काफ़ी अच्छा दिया गया है, फ्रंट में आप लोग को डिस्क मिल जाते हैं, पीछे ड्रम मिलता है। बाकी एक बार गाड़ी को खींच के देखते हैं और बाकी यहाँ पे सस्पेंशन टेस्ट हो जाएगा कि कैसा है, तो ये देख लो आप सस्पेंशन वगैरह सही है, वेट गाड़ी के अंदर थोड़ा सा है तो इसलिए सस्पेंशन थोड़ा सा डाउन चलता है। बाकी इसको जो है थोड़ा सा भगा के भी देखेंगे कि गाड़ी कैसी है चलाने में। और गाड़ी देखो अभी मैं थोड़े से कट करके देखता हूँ, गाड़ी देखो बहुत ज़्यादा हल्की है और आराम से गाड़ी जो है वो कंट्रोल होती है, तो मुझे इस गाड़ी का जो कंट्रोल है वो काफ़ी अच्छा लगा, चलाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है गाड़ी। और ये गाड़ियाँ ऐसी है ना आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इसको चला के। मैं बुलेट 350 चलाता हूँ, उसके बाद मैं इसको चला रहा हूँ, ऐसा कहीं नहीं लग रहा कि ये गाड़ी अंडर पावर वगैरह है, काफ़ी चलाने में मज़ा आता है। थोड़ा सा इसको भगा के देखते हैं आप, 63-70 तक गई है,
70 तक आराम से गई गाड़ी। आगे राउट क्लियर मिलेगा फिर हम जो इसको ट्राई करेंगे इसके टॉप एंड तक लेके जाने का, बट 70 तक गई। तो 100 सीसी की गाड़ी है, 70 इतनी आराम से गई है, तो गाड़ी के अंदर कुछ तो बात है। गाड़ी काफ़ी अच्छी है और स्पीड वगैरह भी ठीक ठाक पकड़ लेती है, जल्दी पकड़ लेती है। सही वो 100 सीसी के हिसाब से आपको इतना अच्छा माइलेज निकाल के दे रही है, फिर आप क्या खोजोगे? आपको इस प्राइस के अंदर क्या चाहिए? मतलब कम प्राइस में बाइक भी मिल रही है, सर्विस वगैरह भी इसका बहुत कम है, सारी चीज़ आपको मिल रही है, तो उसके हिसाब से सही है। पावर लेना तो भैया आप ऊपर की सीसी की गाड़ी लो ना, बट इसके हिसाब से मैं बात करूँ तो ये गाड़ी काफ़ी अच्छी चल रही है। बाकी अब जो है इसका थोड़ा सा हम ब्रेक टेस्ट वगैरह करते हैं, और ब्रेक टेस्ट इसका हम करेंगे आगे, और थोड़ा सा टेस्ट करेंगे लीन वगैरह करने के लिए कि गाड़ी लीन वगैरह करने में कैसी है और कॉर्नरिंग वगैरह इसकी कैसी है। तो ये देखो ब्रेक वगैरह वो काफ़ी अच्छे तरीके से मैं यूज़ कर रहा हूँ। सो अभी बंद करते हैं इंडिकेटर को, अभी जो इसको हम सो डिस्क काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आगे जो है 50 पे हम ब्रेक टेस्ट करके देखेंगे। सो काफ़ी अच्छा ब्रेक लगता है बाइक का, सिर्फ आगे का यूज़ किया है मैंने। सो काफ़ी अच्छा डिस्क जो है इसका परफॉर्म कर रहा है, और सिंगल डिस्क अभी मैंने यूज़ किया, जस्ट मैंने फ्रंट का ब्रेक अप्लाई किया था, और देखिए गाड़ी काफ़ी अच्छे तरीके से रुक गई है। और अभी देखो कॉर्नरिंग वगैरह भी इसकी सही है, देखो काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है, ऐसा नहीं लगता कि बाइक हल्की है तो दिक्कत करेगी चलाने में। बाकी हाई स्पीड पर उसको थोड़ा सा जो है वो टर्न करके देखते हैं, तो देखो ये काफ़ी अच्छे तरीके से बाइक टर्न हो गई, और अब जो है थोड़ा सा ब्रेक करके देख। अभी मैंने फ्रंट का और रेयर दोनों यूज़ किया, बाइक इतने अच्छे तरीके से रुक गई। ये सब चीज़ें बाइक के अंदर काफ़ी अच्छी दी गई है, और लीन वगैरह करने में देखो लीन काफ़ी अच्छे तरीके से गाड़ी हो जाती है, और थोड़ा सा भगा के देखेंगे तो स्पीड वगैरह काफ़ी तरीके से आती है। अब आगे में हम्प है तो थोड़ा सा हम इसको यहीं से रुकने का ट्राई करेंगे। देखो जहाँ पर रुकना था उससे पहले मैंने गाड़ी को रोक लिया, तो ये सब गाड़ी की चीज़ें अच्छी काफ़ी ज़्यादा दी गई है, और 90,000 95,000 1,00,000 के प्राइसिंग के अंदर सारे विंटेज के मिल जाते हैं, और गाड़ी का कंट्रोल बहुत अच्छा है, चलाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। अगर आपको ये गाड़ी परचेज़ करनी है तो आँख बंद करके आप परचेज़ कर लो। बाकी गाइस करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट पैर से वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, बी हैप्पी एंड राइड सेफ।